हेलो फ्रेंड्स आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो ये है कि अगर आपके मेकअप में फ्लेक्स आ जाते हैं तो उसे किस तरह से करेक्ट करें कुछ टिप्स दूंगी मेकअप में फ्लेक आ गया तो क्या करें सबसे तो पहले फ्लेक्स होते क्या है आपका प्रोडक्ट एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है क्यों होता है उसका रीज़न क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ें एक सब मैसअप कर देंगे ना तो क्या लुक आएगा उसका आप जस्ट uh, नॉर्मल सा बात लीजिए आप चावल खा रहे हैं आपने उसमें सब्ज़ी भी डाल दी आपने उसमें रायता भी डाल दिया आपने उससे दो एक दो वेजिटेबल और डाल दी और तो उसका जो लुक है वो क्या आएगा बहुत वेड़ लुक आएगा जिसका आपको खाने का दिल नहीं करेगा तो सेम चीज़ हमारे मेकअप के साथ होती है हमारा प्रोडक्ट ही जगह इकट्ठा हो जाता है या फिर फटने लग जाता है कहीं कहीं से अजीब सा बेड़ सा लुक देता है तो ये सारी प्रॉब्लम आज मैं आपके लिए सॉर्ट आउट करूँगी और देखूंगी कि अगर फ्लैक्स ना आए तो उसके लिए हम क्या करें तो फ्रेंड्स जब हमें मेकअप स्टार्ट करना है ऑब्वियसली सबसे पहले हमें अपने फेस को मॉइस्चराइजर जरूर करना है फ्लैक्स आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है ड्राइनेस मेकअप का ड्राई हो जाना सबसे बड़ा रीजन है ड्राइनेस किस पे होती है आपकी स्किन पे होती है ड्राइनेस कुछ जब आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो तब आपके फेस पे ड्राइनेस आ जाती है तो क्या करें कि ड्राइनेस कम आए और फ्लेक्स कम पड़े ठीक है ना और सिर्फ ड्राइनेस का ही रीज़न नहीं है और भी बहुत सारे रीज़न है तो जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा का मॉइस्चराइजर लिया है देखिए जब भी मेकअप करते हैं ना सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है इट इज़ अ कंपल्सरी स्टेप अगर आप ये स्टेप नहीं करते ना तो डेफिनेटली आपके मेकअप में फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगी ये पक्की बात है इसको कोई नहीं रोक सकता तो आपको अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है मोइच्चराइजर देखिए ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि मोइच्चराइजर आपको ब्रश से ही लगाना है हैंड से नहीं लगा सकते हैं पूरा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मेकअप को सिर्फ ब्रश या ब्लेंडर से ही किया जा सकता है या फिर कहीं कोई कहते हैं कि मैम यानी कि हमें मेकअप करते वक्त फेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए सब कुछ यानी मेकअप का ऐसे ही करना चाहिए तो यार मैं ये चीज़ नहीं मानती आपको कंफर्टेबल कैसे लगता है मैं इस चीज़ को मानती हूँ हमारे कंफर्ट क्या है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ एग्री करती हूँ इस चीज़ में तो मेरी कंफर्ट जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे हैंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल साबित होने वाले हैं आ, मेरे ब्रशेज़ के कंपैरिजन में या मेरे ब्लैंडर के कंपेरिजन में तो मैं ऑब्वियसली अपने हैंड का कर यूज़ करूँगी तो हर चीज़ वो फॉलो करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो अकॉर्डिंग टू मी तो मेरा तो एक ही रूल है कम्फर्ट को प्रेफर करें आप कंफर्टेबल होने चाहिए उस चीज के लिए ठीक है तो अगर कोई कहता है कि मेकअप करते वक्त तो यार इसने ब्रश नहीं यूज किया या इसने ब्लेंडर यूज नहीं किया इसने डायरेक्टली हैंड से अप्लाई कर दिया तो इस पर कोई इशू नहीं है ये ठीक है तो आपने क्या करना है अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है मॉइस्चराइजर को अच्छे से देखिए सबसे पहली बात है कि जब सब मेकअप करने से पहले हम सी टी एम करते हैं क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर मैंने किया है जो ये वाला स्टेप अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है ना तो आप वाइप्स का यूज़ ना करें वाइप्स की जगह ना आप क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करें दो तीन मिनट के लिए मसाज दें आपका जो स्किन है ना वो स्मूथ और हेल्दी हो जाएगी ठीक है हम ज़्यादातर मैं भी मैं खुद पर्सनली वाइप्स का यूज़ करती हूँ और खुद की स्किन पर खुद पर मेकअप करने से पहले यानी मेकअप मॉइस्चर लगाने से पहले मैंने वाइप्स का यूज़ किया था देन टोनल अप्लाई किया था देन मैंने मॉइस्चर अप्लाई किया है ठीक है ना तो आप क्या करें कि आ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो थोड़ा ना क्लिनजिंग मिल्स एक दो मिनट की स्क्रब कर लेंगे मसाज कर लेंगे तो आपकी जो सारी ड्राइनेस है वो रिमूव हो जाएगी और देन आप अपने मॉइस्चराइजर लगा के अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है ना तो आ, ये बहुत अच्छा तरीका है ताकि मेकअप फिक्स ना आए मेकअप इकट्ठा ना हो प्रोडक्ट इकट्ठा ना हो दूसरा रीज़न ये है एक्सेस क्वांटिटी में कोई चीज़ यूज़ करना अब मैं कह रही हूँ कि आपने ना मोश्चराजर यूज़ करना है तो आपने क्या किया अरे बहुत ज़्यादा मोइस्राजर लगा लिया नो दैट्स नॉट अ गुड फॉर योर फेस एंड गुड फॉर योर मेकअप ओके तो आपने क्या करना है कि आपने प्रॉपर क्वान्टिटी में लेनी है कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ठीक है तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोडक्ट लें एक्सेस में प्रोडक्ट बदलें नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अपना कलर बार का प्राइमर तो प्राइमर जब मैं यूज़ कर रही हूँ आप देखिए मेरे पास प्राइमर है मेरा और ये बहुत ही बहुत अच्छा प्राइमर है मैं जो इसे यूज़ कर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है बहुत अच्छे मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं ठीक है ना हाँ एक चीज़ और कि सपोज़ कीजिए कि आप मेकअप कर रहे हैं और मेकअप करते वक्त आपने आपको लग रहा है कि मुझे सीरम लगाना है तो मॉइस्चराइज़र के बाद लगा लें यानी इस स्टेप जो मैं स्टेप किया था उसके बाद लगा लें और दो तीन मिनट का गैप जरूर दें हर एक स्टेप पे आपने पूछा था कि कितने मिनट का गैप होना चाहिए तो दो से तीन मिनट गैप जरूर दें एंड देन अपने प्राइमर की तरफ जाएं और अब जब प्राइमर लगा रहे हैं ना तो देखिए मैं प्राइमर कैसे लगा रही मैं जस्ट सर्कुलर फॉर्मेशन जब हम सर्कुलर फॉर्मेशन में काम करते हैं ना तो प्रोडक्ट इसको हमने पेनिट्रेट नहीं कर रहे ये होता है पोअर फीलिंग के लिए लेकिन अगर पोर्स एक्सेस में है तो डेफिनेटली वैसे तो लगाना कंपलसरी है लेकिन क्वांटिटी कितनी लगानी है ये इंपॉर्टेंट है अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइमर लगाओगे ना प्राइमर आपके फेस पे अंदर पेनेट्रेट नहीं करता है ये आपके फेस पे क्लियर देने का काम करता है तो ये पेनेट्रेशन नहीं करेगा इस चीज़ का ध्यान रखें तो इसी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही प्राइमर लगाएं अगर आप एक्सेस में प्राइमर लगाओगे ना तो आपके जो ऊपर प्रोडक्ट लगाओगे उसके साथ आपका प्राइमर मिक्स हो जाएगा और उसके बाद आपके मेकअप में फ्लैक्स बन जाएंगे या फिर इकट्ठा हो जाएगा या फट जाएगा या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो सबसे बड़ी बात है कि आपने जो प्रोडक्ट लगा रहे हो वो आप किस तरह से लगा रहे हो कितनी क्वांटिटी में लगा रहे हो तो क्वांटिटी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्राइमर एंड इट इज़ सफिशेंट अब मैंने कितना प्राइमर लिया है बहुत कम क्वान्टी इतनी भी कम नहीं लेनी बहुत ज़्यादा कम में काम नहीं करना बहुत ज़्यादा ओवर में काम नहीं करना यानी रिक्वायरमेंट देखो जरूरत पड़े क्योंकि एक बार प्रोडक्ट आप निकाल लेते हो तो आप वापस से उसे बॉटल में या जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें वापस डाल नहीं सकते वो प्रोडक्ट ही वेस्ट हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें तो प्राइमर के बाद भी हमने रेस्ट देना है देन मुझे यूज़ करना है अब के बाद ये इस मेकअप में मैं कलर करेक्शन नहीं कर रही हूँ मींस टू से इसमें मैं कंसीलर का यूज़ कर ठीक है इसमें मैं यूज़ करूंगी अपने कंसीलर का तो जब मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ तो मैं एक शेड डार्कर कंसीलर लूँगी यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है और ये जो कंसीलर है मेरी शेड से एक शेड डार्कर कंसीलर है जिसको मैं चूज़ कर रही हूँ और इसको मैं जस्ट अपनी अंडर आइज पर लगाऊँगी अब मैंने डार्कर कंसीलर क्यों लिया है डार्कर कंसीलर मैंने इस वजह से लिया है ताकि जब भी हम बेस सेट करने से पहले अपनी आईज़ के डार्क सर्कल्स या प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं तो एक डार्क एक अपनी स्किन टोन से एक शेड डार्क टोन के कंसीलर का यूज़ करते हैं ये मेरा कंसीलर पैलेट है यहाँ से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ जो एक टोन डार्कर है अपने प्रॉब्लम्स और एरिया को हाइड करने के लिए वैसे प्रॉब्लम कम है मेरी स्किन पे इस वजह से मुझे मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ करेक्शन या इन चीज़ों को क्योंकि तो अगर ये हम करते हैं ना अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो मत करें क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तभी करें अदरवाइज आपको फुल कवरेज तो करनी ही पड़ती है इसके लिए मेरे पास दो ब्लेंडर्स हैं आप देखिए एक बेबी ब्लेंडर है एक बड़ा है तो मैंने बेबी ब्लेंडर लिया है आइज़ के लिए और इसको मैंने जस्ट डैम कर लिया है बिल्कुल क्यूटी पाइसा है ये और इससे मैं अपने इस पोर्शन को डैप करके इसे ब्लेंड कर लेती हूँ अपने ये जो कंसीलर यानी कि करेक्शन के लिए जो मैंने कंसीलर यूज़ किया था इसे मैं यहीं पे ही ब्लेंड कर लेती हूँ एंड देन जितने भी मैंने प्रोडक्ट लगाया है इसे ब्लेंड कर लूँगी अब आप देखिए कि मैंने प्राइमर भी उतना ही लगाया जितनी रिक्वायरमेंट थी और मैंने कंसीलर भी उतना ही लगाया जितनी रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट से ऊपर काम ना करें अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा काम करोगे तो मेकअप ऑब्वियसली इकट्ठा होने के चांस ज़्यादा रहेंगे ठीक है ना? प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लगाना भी एक वे है नेक्स्ट अब मैं यूज़ करूँगी अपना फाउंडेशन और फाउंडेशन को मैं मिक्स करके लगा so, रही फाउंडेशन मैंने लगाना है तो मैंने यहाँ पे अपना फाउंडेशन लिया है वन एंड टू टू पम्प्स लिए हैं मैंने यहाँ फाउंडेशन के दैट इज मामा अर्थ फाउंडेशन और ये फाउंडेशन इस फाउंडेशन में मैं हल्का सा लकमे का सीरम बेस्ड फाउंडेशन जो है वो मिक्स कर रही हूँ ये हमारा लक्मे का सीरम फाउंडेशन है ये इससे थोड़ी सी डार्कर शेड है मेरी शेड बनाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट था तो मैं इसमें एक हल्का सा डार्कर शेड ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अब रख दूंगी सेपरेट अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों शेड्स को मुझे प्रॉपरली मिक्स करना है और मिक्स करने के लिए मैं इसमें एक और शेड ऐड कर रही हूँ ये है मेरे पास एफ एस थ्री एट की शेड जिसको मैंने अपने फिंगर पे लिया है और इस शेड को ये भी हल्के सी डार्कर शेड है और इसमें मैं ऐड करके एक शेड बनाती हूँ इससे मेरे पास एक प्रॉपर शेड आएगा जो कि मेरे लिए सुटेबल रहेगा मेरी स्किन के लिए सुटेबल रहेगा तो एक शेड बना लें जब आप एक दो बार दो बार तीन बार मिक्स करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी शेड कौन सी है तो आपको अपनी भी शेड प्रॉपर्ली ऐसे ही मिक्स करके मिलने लग जाएगी तो अपनी शेड को चूज़ करें ठीक है तो मेरे लिए तो ये सूटेबल है और इसमें इसके लिए मैं एक बिग ब्ल ब्लैंडर का यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा ब्लैंडर लिया है यूज़ करने के लिए और ये जो एक्सेस प्रोडक्ट है जब भी आप फाउंडेशन लगाना है तो इस एरिया को छोड़ के थोड़ा सा डाउन से नीचे से लगाएं एंड देन हम इसे ब्लेंड करेंगे ये तो मेरे फिंगर पे था प्रोडक्ट जिसकी वजह से मैंने इसे लगाया एंड मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ अब देखिए मैंने बिल्कुल अभी तो मैंने प्रोडक्ट यहाँ से लिया नहीं है अब तो जस्ट मैंने अपनी फिंगर वाला जो मेरे फिंगर एक्सेस में प्रोडक्ट लगा हुआ था मैंने वही प्रोडक्ट चूज़ किया और आप देखिएगा अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी अब इसे ब्लेंड करते हुए चलेंगे और मैंने जस्ट इसी इसी पार्ट को भी ब्लेंड किया है ठीक है अब मैं जस्ट मैंने इसको कैसे ब्लेंड करना मैंने इसमें से लिया है ये फॉर्मेशन थोड़ा सा ब्लेंडर पे एंड इसको इस तरह से ब्लेंड करते हुए चलूंगी और आप देखिए बिल्कुल मेरी शेड है ना बनी ना मैंने दो दो फाउंडेशन से क्रीम फाउंडेशन आपस में मिक, मिक्स किए और जस्ट एक दो फॉर्म में ही मैंने अपनी जो शेड है एक मिनट में ही प्रिपेयर कर ली आप देखिए कि कितनी अच्छी कवरेज आ रही है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला पार्ट और मेरे ऊपर वाला पार पार्ट सेपरेट अलग अलग विजिबल हो रहे हैं तो इनको जस्ट इक्वल करना है हमने इक्वल करने के लिए इसको हम डैप करेंगे और इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे अब देखिए कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आई मेकअप पहले कर लेते हैं ये आपकी विश होती है कि आपने पहले करना है बाद में करना है अब देखिए मैंने इसमें फाउंडेशन नहीं लगाया था इस पार्ट में लेकिन जब हम ब्लेंड करते हैं ना ये ऑटोमेटिकली ब्लेंड होके यहाँ तक आ जाता है मैंने यहाँ पे छोटे वाला ब्लेंडर लिया है और इसको मैं अपने आईज के सराउंड ब्लेंड कर लेती हूँ बहुत अच्छा जो पार्ट ये है कि इसको यूज़ करना आइस पे बहुत बेनिफिशियल रहता है बहुत छोटा सा आ, क्यूटी सा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और आप देखिए किस तरह से ये बहुत आइस पे के सराउंड बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहा है तो छोटे छोटे एरिया के लिए इस ब्लेंडर का यूज करें दिस वन बड़े एरिया के लिए इसका यूज करें तो फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ है हमने यहाँ पे क्या किया मेकअप को अच्छे अब फाउंडेशन भी आपने एक्सेस क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं लगाना है मैं पहले ही कह रही हूँ अब आप हमेशा कहते हो मैम आप, आप अपनी नेक कवर नहीं करते नेक मैं इसलिए कवर नहीं करती हूँ क्योंकि ये मैं ट्यूटोरियल देती हूँ मुझे मेकअप करके कहीं बाहर नहीं जाना फिलहाल इट्स जस्ट टुटोरियल सो अगर आपको लगता है जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया है अगर आपको लगता है कि आपको एक और लेयरिंग चाहिए तो आप इसको इस लेयरिंग को सूखने दें ठीक है ना ड्राई होने दें और ड्राई होने के बाद आप दूसरी लेयरिंग इसी की कर लें इससे आपको थोड़ी कवरेज अच्छी मिल जाएगी सो फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ पे ये यह स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है अब हमें क्या करना है देखिए ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हमें अपने फ़िक्स करना है अपने मेकअप को तो फिक्स हम किससे करेंगे या तो हम फिक्सिंग पाउडर से करेंगे या हम आ, किसे फिक्सर से यानी सेटिंग स्प्रे से करेंगे फिक्सर से यानी सेटिंग स्प्रे से करेंगे तो हम मैंने यहाँ पे पाउडर का यूज़ करूँगी अगर आपका ड्राइनेस ज़्यादा है तो आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करें ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे लिया है मैंने मास्टर फिक्स और लूज़ पाउडर है ये मेरा और इससे मैं पूरे मेकअप को हल्के से डैप डैप करके इसे फिक्स कर देती हूँ और फिक्स करके इसको हम प्रॉपरली ये लूज पाउडर विजिबल नहीं होते हैं और ये आपके मेकअप को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी बना देते हैं तो आपको इसे फिक्स कर लेना है ये हमारा मास्टर फिक्स है और इसे हमने फिक्स कर लिया अब जब हम इसे फिक्स कर लेते हैं तो हमारी जो लुक है एक वेलिबिटी टच आता है लेकिन मेकअप बेस जस्ट अभी रेडी नहीं है अभी हमें इसे रेडी करना है तो इसके लिए हमें अब हम क्या करेंगे अब मैं अपना कॉन्ट्रोल करती हूँ और कॉन्ट्रोल करके उसे ब्लेंड करती सो so, फ्रेंड्स ये मेरे पास एक फ्लैट ब्रश है ये मेरे पास है कॉन्ट्रोल क्रीम बेस्ड और इसको मैंने जस्ट इस तरह से अप्लाई करना है यहाँ से इस तरह से ठीक है या फिर ये इस तरह से फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल लाइट शेड लिया है एंड इसको भी मैं इसी तरह से अप्लाई करती हूँ ठीक है और हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से लेके आएंगे और सेम इसमें भी हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से इसे ऐड करेंगे इसमें एंड देन अपने नोज के सराउंड इसको आप अपने ब्रश से ले लें इस तरह से और ब्रश से इस तरह से लेकर इसको प्रॉपरली ले, अपने फोर हेड के सराउंड और यहाँ पर भी और इसको हमने अब ये जो हमने कंट्रोलिंग की है ना अपनी जो लाइंस पे यहाँ पे कर सकते हैं दिस वन एंड दिस वन ठीक है और अपने ब्लेंडर लें और ब्लेंडर के हाथ से ब्लेंड यहीं पे ही ब्लेंड करना स्टार्ट कर दें जब आप कॉन्ट्रोल करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोडक्ट ना लें जितनी रिक्वायरमेंट मैं हमेशा कहती हूँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लें और यहीं पर ही इसको जब आपको ब्लेंड करना है कॉन्ट्रोल तो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करें कंट्रोल क्या करेगा आपके फेस के जो फीचर्स हैं उन्हें निकाल के दिखाएगा तो कंट्रोल जब हम लेते हैं वो एक तरह का कंसीलर होता है जो आपकी शेड से सिक्स टू सेवन टोन डार्कर शेड होता है ठीक है ना और उससे आप अपने फेस को कंट्रोल करते हो यहाँ पे देखिए और सेम यहाँ पर फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट अब मैं इसमें आपको नोज के सराउंड जो हमने इसको भी यहाँ पे नोज के सराउंड करेंगे एंड देन अब आप ये देखिए अब आप ये जो है हमारे से हमारे फीचर्स जो हैं वो निकल के आगे इस चीज को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है यानी इसको जब प्लान करेंगे इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे और जब इधर से प्लान करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे एंड फोर हेड के सराउंड जिससे कि फोर हेड थोड़ा सा छोटा लगेगा सो फेंस ये है हमारी फाइनल लुक लेकिन इसमें अभी बहुत कमी है वो भी हम आपको कम्प्लीट कराते हैं देखिए हमने कितने सुंदर ब्यूटीफुल आई मेकअप के साथ ये लुक लिया है जिससे हमारा मेकअप में बिल्कुल फ्लैक नहीं आए है ना कोई फ्लिक नहीं आया मेकअप में इस आइज़ मेकअप की ट्यूटोरियल्स भी मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूंगी कि मैंने किस तरह से ये आई मेकअप किया है ओके तो अब मैं अपने मेरा जो फेस है थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया था मैंने वो भी कर लेती हूँ मेरा कंटूर थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है उसे डार्क कर लेती हूँ तो इसके लिए मैंने अपना ब्रश लिया है और एक प्रेस्ड कंटूर लिया है ठीक है ना मैंने यहाँ पे प्रेस्ड कंटूर लिया है और अपने जो कॉन्टोर है इसे हल्का सा डार्क कर लेती हूँ हल्का सा डार्क कर लिया और अपने फोरहेड के सराउंड से भी मैंने इसे डार्क कर लेती हूँ थोड़ा सा और जितने भी मुझे कमी लग रही है वो मैं अब कर करती हूँ लास्ट में जितनी भी कमियाँ लगे उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें हल्की सी आईबरी शेड ली है जिसको मैंने यहाँ पे लगाया है और यहाँ से भी इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ और इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और नेक्स्ट मेरा काम है अब मुझे अपना हाइलाइटर लूंगी जो कि मैं प्रेज फॉर्म में लूंगी इससे अपने फीचर फेस के जो फीचर्स हैं उन्हें एनहेंस करने के लिए हम यूज करेंगे एंड देखिएगा ये देख कितना ब्यूटिफुल जो ग्लिटर शेड है कितनी ब्यूटीफुल आती है कितने अच्छी शाइन ये प्रोवाइड करता है और इसको ब्लेंड करते हुए लगाएं आप इसे ऐसी बात नहीं है कि आप इसे ब्रश के हाथ से नहीं लगा सकते आप इसे ब्रश के हाथ से भी लगा सकते हैं ये कंप्लीटली विश है इस तरह से और सेम इस साइड भी ठीक है और ये जो हमारे आइज़ का पार्ट है इसको भी हम कवर कर लेते हैं जिससे कि हमारी बहुत ही सुंदर सी आई डिफाइन होंगी है ना आईज़ की जो बहुत अच्छी डेफिनेशन मिलती है इनसे हाइलाइटर से और मेरा नोज का सर राउंड दिस वन एंड दिस वन इसको मैं इसे यहीं पे ही ब्लेंड कर लेती हूँ एंड फोर हेड के सराउंड और देखिए फ्रेंड्स कितनी ब्यूटीफुल लुक आई है आई इसके इसको इस तरह से कवर कर लें जो आपका हाइलाइटर है ना उसको इस तरह से कवर कर लें यहाँ पे मैंने ब्लश तो अप्लाई कर ही लिया था और हमारी जो कंप्लीट मेकअप लुक है हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छी डिफाइन जो है हमारे मेकअप में आया है सो so फ्रेंड्स ये है हमारा आज का बहुत ही स्टनिंग सा मेकअप लुक और आप आई मेकअप के साथ ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कितना क्रिएटिव लग रहा है और कितना शाइनी लग रहा है तो पूरा आप अच्छे से कवरेज करके ये मेकअप कर सकते हैं और इसमें आपको देखिए कोई फ्लैक्स की प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे तो नहीं आ रही कोई फ्लेक्स की प्रॉब्लम और ये जो मेरा ब्लश है इसी में हल्का सा रोज़ी टच दे, दे दो इसको भी बहुत ज़रूरी है देना हल्का सा रोज़ी टच दे देती हूँ वैसे तो मैंने ब्लश अप्लाई किया था थोड़ा सा रोज़ी टच इसको इसमें ऐड कर देती हूँ अब आया है मेकअप या फाइनल लुक टच तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना मेकअप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और देखिए कितना ग्लैम लुक आया और देखिए कहीं से अफ्लेक्ट नहीं आया कहीं से मेकअप फटा नहीं है किसी से कहीं से आपको लग नहीं रहा होगा कि मेकअप फटा है या कुछ है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी देखिए फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा है ना तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटिंग के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी आपदम सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो मेकअप क्लैम मेकअप लुक है आप देखिए इसका पूरी ट्यूटोरियल्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाई स्टेप बताई है तो थैंक यू फ्रेंड्स गुड बाय